हाय एवरीवन दिस इज़ दीपिका आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूथर गुलिक की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूजीसी नेट में जो लूथर गुलिक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो लूथर गुलीक में से जो क्लासिकल थ्योरी है जिसमें पोस्ट कार्ब व्यू पूछा जाएगा आपका कि ये क्या होता है देन इसके बाद से जो ये पोस्ट कार्ब व्यू है इसका आपका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए देन इसके बाद से फोर बेसिस जो दिए थे इन्होंने फोर पी हम जिसे जनरली कहते हैं ये भी आपको यू नेट के एग्जामिनेशन में मिल जाएगा देन वाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लूथर गुलीक के द्वारा दिए गए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आज का डिस्कशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे पूरा जरूर देखिएगा ताकि लुथर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए के साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ही लेक्चर्स पे कंसेप्ट एज वेल एज फैक्ट दोनों कवर हो जाएगा ओके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप नए हैं पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यस yes, तो शुरू करते हैं लूथर गुलीग का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी तो अर्ली लाइफ अगर हम देखें लूथर गुलीग का तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ही वाज अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने फॉर द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट स्पेशली क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में अपना एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है ओके सो ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो इसको फॉर्मुलेट किया था अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो स्पेशली लूथागोलिक इंस्पायर्ड थे अर्ली मैनेजमेंट थिंकर से मतलब लूथर गुलिक के पहले जिन स्कॉलर्स ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया था जैसे कि एफ़ डब्ल्यू टेलर हो गए हेनरी फ्योल हो गए गुली आ, तो इनसे ये प्रभावित थे ओके और इनसे प्रभावित होकर जो गुलिक हैं लूथर गुलिक उन्होंने अपनी क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की हेनरी फ्यूल पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली यू नेट आप उसे चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं एक 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 इस सेपरेट प्लेलिस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की थ्योरी की चैनल की वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे तो अब हम बात करते हैं लूथर की जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है जिसे हम पोस्ट कार्ब फ्रेमवर्क पे रखते हैं और ये पोस्ट कार्ब फ्रेमवर्क स्टैंड करता है फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग एंड बजिटिंग ओके हम वन बाय वन इन सारे टर्म्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएँ सो so, जो ये पोस्ट कॉफ फ्रेमवर्क है जो लूथर गुली के द्वारा दिया गया अपनी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में ये आप मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस में काफ़ी वाइडली होता है और एक अप्रोच माना जाता है टू मिलाकर यह है कि जो हैं उसमें पोस्ट कॉर फ्रेमवर्क को अगर आप हेल्प करता है यह फ्रेमवर्क अगर आपको बेसिक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट को समझना है तो उसके लिए एक फाउंडेशनल अप्रोच है यह ओके okay? तो अगर हम ब्रीफ ओवरव्यू लें ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पोस्ट कॉर फ्रेमवर्क तो पहला है आपका प्लानिंग तो प्लानिंग आपको सिंपली पता है कि एक आउटलाइन होती है कि भाई आपके गोल क्या हैं आपकी डेडलाइन क्या है आपकी स्ट्रेटजीज क्या, क्या रहेंगी किस तरीके के मेथड्स आप यूज करेंगे टीम लीडर कौन होगा बॉस कौन होगा एम्प्लॉ कौन होगा ये सारा एक तरीके का आउटलाइन को हम क्या कहते हैं प्लानिंग सो प्लानिंग इनवॉल्व डिफाइनिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटीज एंड टैक्टिस टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम सिंपली अगर आपको यू जी सी नेट एग्जाम प्रिपेयर करना है तो आप एक प्लानिंग बनाओगे ना कि भाई आप पेपर वन को कितना टाइम देंगे और पेपर टू को कितना टाइम देंगे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यूनिट वन कितने दिन में आप खत्म करेंगे यूनिट टू कितने दिन में खत्म करेंगे तो एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि बिफोर एग्ज़ाम मेरे इतने बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए या मेरे को दस साल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको सॉल्व कर लेना है ये आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं अब आप इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है या मुझे रात में स्टडी करना है या किस तरीके से करना है ओके तो इन द सेम मैनर जो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन होता है उसका प्रॉपर एक प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पोस्ट कॉव्यू का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली ये होता है जो आपका स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हो राइट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि भाई बॉस कौन होगा टॉप मैनेजमेंट कौन होगा फिर उसके बाद मीडियम लेवल पे कौन होगा मतलब लेवल डिफाइन किया जाता है कि लेवल वन में कौन होंगे लेवल टू में कौन होंगे लेवल थ्री में कौन होगा ओके okay, तो ये एक ऑर्गेनाइजिंग राइट right, एक एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना जिसमें सभी का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर होना चाहिए जो एक जो जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो मैनेज होना चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट हो जाता है आपका थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में नेक्स्ट है स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब है जो जो पीपल्स हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको राइट right पीपल्स को आइडेंटिफाई करना उनको रिक्रूट करना फॉर दी जॉब जैसे लोग अप्लाई करेंगे फिर इंटरव्यू होगा इंटरव्यू के बाद से ग्रुप डिस्कशन हो सकता है फिर उसके बाद पे उनको फाइनल सेलेक्शन होता है तो फिर इस इस सेलेक्शन के बाद फिर क्या होगा ट्रेनिंग दी जाएगी फिर इवेलुएट किया जाएगा फिर प्रमोशन होगा ये सारी चीज़ें किस पे आ जाती हैं आपकी स्टाफिंग में तो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में स्टाफिंग एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है नेक्स्ट है डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस देना गाइडेंस देना इम्प्लॉयिज़ को ताकि वो अपने फंक्शंस को सही से परफॉर्म कर पाएँ और हम ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएँ तो एक तरीके से जो डायरेक्टिंग है इट इज़ अ नेसेसरी सपोर्ट टू अचीव देयर गोल्स राइट जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मीटिंग्स ली गई मीटिंग्स में लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भाई हमें क्या करने की ज़रूरत है ताकि हमें और क्लाइंट मिले हमें अपने प्रोडक्ट की अच्छी सेल कर पाएं हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ तो इस तरीके का गाइडिंग मोटिवेटिंग या या इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपका इस कैटेगरी में आ जाती हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है अमंग द टीम मेंबर्स जिससे कि आपके जो जो एफर्ट्स हैं ना जो एक्शंस हैं वो हम गोल को अचीव करने की तरफ लगाएं मतलब लोग भटके ना तो जैसे मान लीजिए एक टीम में दस मेंबर्स हैं और उनको है कि भाई इस साल हमें दस लाख का प्रोडक्ट सेल करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो लोग क्या करेंगे जो ये दस लोग हैं वो आपस में अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करेंगे भाई कोऑर्डिनेशन एक हार्मनी इस्टेब्लिश करेगा एक पॉजिटिव वर्क कल्चर इस्टेब्लिश करेगा यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप होगा लोगों का तो ओवरऑल जो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं ये लोगों की जो जो ये टेन के टेन दस के दस लोग हैं इनकी एक्टिविटीज़ को अलाइन करेगा उनमें हारमनी इस्टेब्लिश करेगा ताकि हम ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकें नेक्स्ट है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की सिंपल मीनिंग होती है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने टॉप मैनेजमेंट को या अपने इमीडिएट बॉस को या अपने टीम लीडर को कि भाई क्या वर्क प्रोग्रेस चल रही है हम कहाँ तक पहुँचे क्या हम डेडलाइन के पहले तक Uh, जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे या टारगेट को अचीव करने में हर्डल्स क्या आ रहे हैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उन चैलेंजेस का सलूशन क्या हो सकता है तो इस तरीके का सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना रिपोर्टिंग को इंश्योर करना अमंग दी ऑल द स्टेक होल्डर्स कुल मिलाकर शेयरिंग ऑफ़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये आपका रिपोर्टिंग कैटेगरी में आ जाता है नेक्स्ट है बजटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अब रिसोर्स में आपके ह्यूमन रिसोर्स आ जाते हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए देन आपका फाइनेंस आ गया जो लोगों की सैलरी देगा इंसेंटिवस देगा या जो अदर एक्सपे expense, जो एक्सपेंसिज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उनको बियर करना तो बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा बजट कितना है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का ओके okay, तो ये बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है तो ये था पोस्ट कॉर्ब फ्रेमवर्क जो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया आई होप कि आपको इन सारे एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अब नेक्स्ट है फोर पी थ्योरी जो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया लूथर गुलिक ने अपनी फोर पी थ्योरी में थ्योरी ऑफ डिपार्मेंटलाइजेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है ओके तो बेसिकली इसमें क्या है कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो जो आ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स ऑफ डिपार्मेंट्स है या डिवाइडिंग द वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन को सॉल्व करता है अब ये फ़ोर पी क्या है नंबर वन है पर्पस नंबर टू है प्लेस पर्सन एंड प्रोसेस जिसे हम ओवरऑल फोर पी के नाम से जाना जाता है अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जो फोर पी थ्योरी है लूथर गुली की तो एक ऑप्शन देगा दो ऑप्शन देगा तीन ऑप्शन देगा चार देगा एक ये चार में से एक को मिस करके जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोसेस की जगह में कुछ और एक वर्ड कर लेते हैं प्लेस है पर्पस है पर्सन है आ, कोई एक वर्ड बताइए मुझे जो जो यहाँ पर हम हाँ मेंशन कर सकते हैं पैलेस कर सकता है कुछ कुछ भी वर्ड कर सकता है यहाँ पे ओके पर्सन तो है ही तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इसे मतलब मुझे याद करने का तरीका क्या था कि अच्छा पहले पहले क्या होना चाहिए एक पर्पस होना चाहिए फिर उस पर्पस नहीं देखो एक पहले क्या होगा एक पर्सन होगा मैंने जैसे याद किया था मैं रिकॉल कर पा रही हूँ अभी जब मैं जे आर एफ की प्रिपरेशन कर रही थी मैं थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको शायद ये हेल्प करे तो मैंने इसे याद कैसे किया था कि भाई एक पर्सन है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पर्सन हूँ मेरा एक पर्पज़ है तो ये पर्सन हो गया और मैं एक पर्सन हूँ मेरा एक पर्पज़ है राइट right? मेरा एक पर्पज़ है और उस पर्पज़ को अचीव करने का एक प्रोसेस है और यहाँ पर मुझे चाहिए होगी एक प्लेस ताकि मैं इसे एक्जीक्यूट कर पाऊँ राइट right? ऐसे एक कहानी बना सकते हो जो भी आपको हेल्प करे तो मुझे किया था कि भाई मैं एक पर्सन हूँ मेरा एक पर्पस है और मेरे इस पर्पस को अचीव करने की एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को मैं एक प्लेस पे जाकर एग्जीक्यूट करूँगी ये कहानी मैंने बनाई थी और इससे मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होती थी जब इस तरीके का क्वेश्चन मेरे टाइम पर शायद ये पूछा भी गया था क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से इसको मैंने आ, इस एड्रेस कर लिया था इस क्वेश्चन को तो मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आपको एक छोटी छोटी ट्रिक्स डेवलप करनी होती हैं ताकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को आप याद कर सको और यूजीसी नेट पे इन्हें सॉल्व कर सको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होंगे तो ये फोर भी थ्योरी आपको समझ में आई कि क्या है अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें जो लूथर गुलिक ने यहाँ पर एडवोकेट किया था जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क तो डिवीज़न ऑफ वर्क पता है ना स्पेशलाइजेशन कि भाई जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम देना जैसे फाइनेंस एकाउंटेंट या या जो जो रिपोर्ट या जो ग्राउंड वर्क हो गया ये सारे टेक्निकल आई वर्क हो गया ये सारी चीज़ें देन बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गनाइजेशन कोऑर्डिनेशन थ्रू हरारकी डेलीब्रेट कोआर्डिनेशन कॉर्डिनेटिंग थ्रू कमेटी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए सारे लोगों को इसमें शामिल करना इस्टाफ़ एंड लाइन यूनिटी ऑफ कमांड की जो इम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन मिले इंस्ट्रक्शन मिले वो एक सिंगल सोर्स से मिलें डेलीगेशन मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा शेयर करना दूसरे लोगों के साथ स्पैन ऑफ़ कंट्रोल में हरारकी मतलब भाई टॉप मैनेजमेंट में कौन है फिर हमारे इमीडिएट बॉस कौन है फिर लो, लो जो लोअर लेवल है उस पर कौन है तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल हैरारकी इस्टेबलिश करना तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो लूथर गुलिक के द्वारा समर्थन दिया गया जिन प्रिंसिपल्स को तो ये था लूथर गुलिक की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है लूथर गुलिक के द्वारा दी गई आई होप कि आपको समझ में आया होगा पोस्ट कॉर्ब व्यू एंड थी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लूथर गुलिक जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तो कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को प्लीज़ गाइज प्लीज़ लाइक करिएगा बहुत हेल्प मिलेगी मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में अगर कॉन्ट्रीब्यूट आप करना चाहते हो तो प्लीज़ डू इट एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर